तो हमने सीख लिया था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। बात करते हैं आगे ध्यान दोनों, ठीक है, कि कौन ऐसे पॉइंट है कि जहां पे आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स क्या हो रही इंक्रीज हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एम यू वाई से एंड पी वाई से। उसी तरह अगर आपका पी एक्स क्या है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या होगा, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा आपका एम यू वाई से। उसी तरह अगर एम यू वाई क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी एम यू एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर होगा। अगर पी वाई क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, उस केस में भी क्या होगा आपका एम यू एक्स क्या होगा ग्रेटर देन एम यू वाई होगा। और ध्यान दें इन चारों केस में, ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कंज्यूम करेगा गुड्स एक्स को, कि जहां पर उसका पॉइंट क्या हो जाए, तक उसका पॉइंट इक्वल ना हो जाए।